राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों के लिए रेलवे स्टेशन सरकार के आग्रह पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज यानी बुधवार को बेंगलोर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन उधमपुर पहुंची। ट्रेन से उतरकर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी यात्रियों को उधमपुर क्वारंटाइन सेंटर भेजना था, जहां जगह ना होने के कारण उन्हें जम्मू भेजा गया। जम्मू में इन सभी यात्रियों के खाने की व्यवस्था बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता द्वारा की गई। अरविंद गुप्ता द्वारा खाने पीने की वस्तुएं मिलने के बाद इन सभी को संबंधित जनपद की बसों पर भेज दिया गया। इसी के साथ लॉकडाउन के दौरान स्पेशल ट्रेनों से घर वापस आ रहे यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी जरूरी है। इसी के चलते बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता ने सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप देखकर इस बात की पुष्टि भी की। सर, हम बेंगलोर से आ रहे हैं, बेंगलोर से काम करते हैं मंडी का, और हमारे को जैसे फ्री टिकट मिला जम्मू में आने को, और हमारे को इधर रख रहे हैं और बहुत अच्छा है रखने के लिए, जितने रखेंगे उतने हम रहेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा है, ऐसी बात कोई दिक्कत खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, सब अच्छा है। जब तक हमारा टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम घर नहीं जाएंगे, जो टेस्ट हो जाएगा फिर हम चले जाएंगे। आज सुबह जब प्रातः मैं उठा तो एक फ़ोन आया किसी का कि बेबी कैटर्स में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, तो वह यहाँ पे मेरा आना हुआ। यहाँ पे 75 लोग हैं जो कल बेंगलोर से आए थे, रात को लेट बेंगलोर में उधमपुर पहुँचे श्रमिक ट्रेन में, और यहाँ पे उनको टेम्परेरली नॉट क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया गया, टेम्परेरली 75 लोगों को यहाँ पे ठहराया गया है कि उनकी व्यवस्था करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, यहाँ पे तहसीलदार रवि शर्मा हैं, उन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, और जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी ने कहा हुआ है कि क्वारंटाइन सेंटर्स या कोई भी श्रमिक हो उसके आपने चिंता करनी है, उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, नाश्ता हो, किसी की चप्पल हो, किसी को कपड़े चाहिए हो, किसी को कुछ भी आइटम चाहिए हो, तो सुबह अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी में जो व्यवस्था हुई, हमें सुबह इनको फेस मास्क जो सबसे ज़रूरी है, फेस कवर, लस्सी और बिस्किट्स इनको प्रोवाइड किए, और अभी इनको थोड़ी देर में किसी क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सभी श्रमिक जितने भी ये लोकल हैं, जे एंड के हैं, कोई बिलावर से है, कोई कहीं से भी है, बड़े खुश हैं, और मोदी सरकार की ये नीतियाँ जो उन्होंने बेंगलोर से इनको लाया गया है उसके लिए वो इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा नाम राकेश है और हम बेंगलोर से आए थे। सबसे पहले थैंक यू सो मच मोदी जी का, जिन्होंने हमें वहाँ से रिटर्न किया और हमारी आवाज़ सुनी है, और रात को जब हम यहाँ उधमपुर में पहुँचे वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया यहाँ बेबी कैटरल पैलेस में, और यहाँ पे हमारा पूरा इंतज़ाम किया था। थैंक यू सो मच इन लोगों का जिन्होंने कि यहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड की है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, वंदे मातरम, मोदी जी जिंदाबाद।